हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवेशास क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मैं एक ऐसा वीडियो शेयर करूं जिससे कि कम जगह में, जिन लोगों के घर में जगह कम होती है और बैल्कनी वगैरह छोटी होती हैं, तो वो कम जगह में किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज का वीडियो वही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी भी बालकनी बहुत ज़्यादा छोटी है, 5x5 का साइज़ है मेरी बालकनी का। तो उसमें, लेकिन मुझे गार्डनिंग का शौक़ है तो उसको भी पूरा करना था, तो उसको मैंने पूरा करने के लिए जो किया है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि कुछ डब्बे मैंने, आप देख सकते हैं, ये मैंने प्लास्टिक के जो हैं कंटेनर, जिन जो हमारे यूज़ हो करके यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, इस टाइप के कंटेनर, उनमें लगाया हुआ है। कुछ मैंने रेडीमेड में लगाया हुआ है, कुछ मैंने DIY किए हैं। आप ये सभी देख सकते हैं, ये सारे ही DIY वाले कंटेनर हैं मेरे, जिनको मैंने प्लांट पॉट में बदला है। तो इन वाले कंटेनर में क्या होता है कि इसको आप कहीं पर भी किसी भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। और इस टाइप के कंटेनर में आप, जैसे मनी प्लांट है, ये कलेंचू का प्लांट है, ये मैंने सदाबहार लगाया है, ये देखिए अच्छे से निकल रहा है। इस टाइप की प्लांट लगाएं जो ज़्यादा जिनकी जड़ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। अब जैसे ये जेट प्लांट लगाया है मैंने छोटे से उसमें, और ये मनी प्लांट भी बहुत ज़्यादा लंबी इसकी जड़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगे, जितने बड़े आप पॉट में लगाते हैं उतनी इसकी जड़ फैलती है। लेकिन इसमें छोटे में भी देखिए कितने अच्छे से चल रही है, आप देख रहे होंगे। और प्लांट भी आजकल फूलों वाले अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो बहुत तरीके के आ रहे हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, छोटी ब्रीड वाले। अब जैसे ये चांदनी का मैंने प्लांट लगाया है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, डेली ही 5-6 फूल निकल आते हैं। तो अब देखिए ये बड अभी खुली नहीं है और ये 2-3 फूल निकले हैं, 2-3 झड़ गए इसके। तो इस टाइप के फ्लावर्स वाले भी लगा सकते हैं, और ये स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं इस टाइप के छोटे छोटे कंटेनर में, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा आप हैंगिंग प्लांटर बना भी सकते हैं और ला भी सकते हैं मार्केट से। तो ये देखिए इस टाइप की छोटी छोटी बॉटल्स में अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो वो भी अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इनको आप किसी भी जगह पर हैंग कर सकते हैं। तो एक टिप ये है मेरा कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में लगा सकते हैं। और दूसरा टिप था कि आप इस टाइप के प्लांट चूज़ करें अपने गार्डनिंग के लिए, छोटी जगह में गार्डनिंग के लिए आप इस टाइप के प्लांट यूज़ करें जिसकी जड़ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके प्लांट भी लगाने का शौक़ भी पूरा होगा और जगह भी हरी भरी लगती है और हरियाली भी रहती है हमारे घर के आसपास, तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो मैं तो यही करती हूँ। और एक चीज़ और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी, जो कि लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको दिखाऊँ, जैसे कि मेरी ये बैल्कनी बहुत छोटी है और अब मैं इसमें, मेरा यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी है, सिटिंग एरिया भी है, तो उसको मैं किस तरीके से करूँ कि मेरी पूरी जगह यूटिलाइज़ भी हो जाए और मुझे कोई काम करने में भी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप हाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाइट क्रिएट करने का मतलब है कि अगर आप, आपके पास कोई इस टाइप का स्लैब वगैरह डाल सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मैंने तो यहाँ पर स्टैंड लगाया हुआ है। आप जैसे इसके पोर्शन में, जैसे ये हमारी वॉल है, वॉल से सटा करके अगर आप लकड़ी का या सीमेंटेड स्लैब वगैरह है आपके, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ पर ऊपर रख सकते हैं जिनकी हाइट बड़ी हो सकती है, उस टाइप के गमले रख सकते हैं और नीचे छोटे वाले गमले रख सकते हैं। और अगर वैसे भी नहीं है तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये गमले रखे हैं इससे मुझे ये बेनिफिट है कि इनको मैं ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ। ये मैंने अपनी वॉल के ऊपर रखे हुए हैं और ये गिरते नहीं हैं इतनी आसानी से, तो अगर बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आता है तब मैं इनको हटा देती हूँ, नीचे रख देती हूँ बारिश के टाइम पर या आंधी तूफान के टाइम पर, बाकी ये एज इट इज़ रहते हैं, पंछी वगैरह नहीं गिराते हैं इनको। तो इस टाइप से आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इस टाइप का स्टैंड भी बनवा सकते हैं, या मार्केट में आजकल रेडीमेड मिल जाते हैं, आयरन वाले जो शॉप होती हैं, हार्डवेयर वगैरह की जो शॉप होती हैं, वहाँ पर मेक टू ऑर्डर भी होता है और रेडीमेड भी मिल जाते हैं, तो आप ये भी ला सकते हैं। इससे क्या होता है, मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ इससे कि पहले मैंने यहाँ पर अपने जितने भी गमले थे वो नीचे रखे हुए थे, तो उससे क्या होता था कि इसके आसपास मिट्टी जमा हो जाती थी और सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्टैंड लिया है तो
इसमें बहुत आसानी हो गई है मुझे सफाई करने में, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक दो स्टैंड, एक स्टैंड और ले आऊँ छोटा। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन में भी मिलते हैं, मैंने बेसिक से लिए हैं। इससे क्या होता है, ये स्क्वायर से है तो इससे जगह कम यूज़ होती है, और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो फिर उसमें बहुत बहुत प्यारे प्यारे स्टैंड आते हैं मार्केट में। साइकिल वाला स्टैंड है, और जिसमें आप हाइट्स जिसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, उस टाइप के स्टैंड भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मार्केट में मिलते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप का है। और अब बात कर लेते हैं गमलों की। तो गमले वैसे तो देखिए प्लांटर जो होते हैं वो टेराकोटा मिट्टी वाले जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत पहले लगाए थे, सीमेंटेड पॉट हैं ये, थोड़े हैवी पॉट हैं। अगर आप इनको आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप इस टाइप के सीमेंटेड पॉट ना लगाएं, आप प्लास्टिक पॉट में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास जगह है तो छोटे वाले टेराकोटा मिट्टी के जो छोटे प्लांट प्लांट पॉट होते हैं, गमले जो होते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। उनमें भी बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चल जाते हैं। अब आप देखिए कि ये प्लास्टिक के गमले में, आप एक राजमा का, मेरी डॉटर का एक प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में मैंने इसको निकाला नहीं, और क्योंकि हरा हरा लगा हुआ अच्छा लगता है तो उसमें फूल भी आने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो हरियाली अच्छी लगती है, तो इस टाइप से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, और अब बात करती हूँ मैं आपको डेकोरेट करने की, बालकनी को आप डेकोरेट करने के लिए। ये भी सारी चीज़ें डेकोर में ही आती हैं, जैसे आपने स्टैंड लगा दिया उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसके अलावा अगर आपने कलरफुल स्टोन लगा दिए अपनी बालकनी में तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उससे थोड़ा सा लुक आपकी बालकनी का अच्छा आ जाता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसमें आप प्लांट्स जो होते हैं वो कलरफुल लगाएं। अगर आप पत्ते वाले लगा रहे हैं जिनकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, जैसे ये लगाया है, तो उसके साथ साथ फूलों वाले भी लगाएंगे तो उसमें कंट्रास्ट मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब अगर आप वर्किंग हैं तो आप इस टाइप के प्लांट लगाइए, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि कोलियस हो गया, ये हेज हो गया, ये देखिए, ये इंडोर भी रखे जा सकते हैं। इंडोर मतलब ये आप देख सकते हैं सनलाइट तो आती नहीं है लेकिन लाइट आनी ज़रूरी है। अगर इंडोर रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ इसको धूप तो नहीं मिलती लेकिन फिर भी थोड़ा खुला खुला एरिया है तो शेडी एरिया है तो वहाँ पर ये अच्छे चल जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट आप लगा सकते हैं अपने बैल्कनी गार्डन में। के लिए आप इस, जैसे मैंने आपको बताया था, कलरफुल स्टोन लगा सकते हैं और आप स्टैंड लगा सकते हैं, इसके अलावा कलरफुल प्लांट पॉट भी लगा सकते हैं, DIY कर सकते हैं कोई प्लांट पॉट को, तो वो भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, चीप एंड बेस्ट होते हैं। अब ये वाले सारे जितने भी आप प्लांटर देख रहे हैं ये सारे ही DIY हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जब मैंने ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं स्टोन वाला, ये वाला प्लांट पॉट और ये आउल वाला प्लांट पॉट शेयर किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि ये टूट तो नहीं जाएगा, ये POP से बनाया था मैंने, तो लेकिन आपके सामने रिजल्ट है काफ़ी टाइम से, तो मैं आपको भी वीडियो दिखा रही हूँ गार्डनिंग के, तो उसमें भी अभी तक ये एज इट इज़ है, बट हाँ मैं इसको बारिश के टाइम पर यहाँ से शिफ्ट कर देती हूँ दूसरी जगह पर जहाँ पर बारिश का पानी डायरेक्ट ना आए। बाकी इसके अंदर पानी हम डेली डालते ही हैं और मैं इसके अंदर गुड़ाई वगैरह भी करती हूँ तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और इसी के साथ में आपको ये एक और दिखाती हूँ, ये भी मेरा DIY प्रोजेक्ट ही है, तो ये भी काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रात में ये देखो, रात में इसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप छोटी सी जगह में भी अपनी बैल्कनी क्रिएट कर सकते हैं और हरे भरे प्लांट्स अपने घर में, अपने आसपास, अपने चारों तरफ उगा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो देखिए सभी को पसंद है, 100 में से 1 बंदा होगा जिसको प्लांट्स पसंद नहीं है, तो होंगे मुझे लगता है वो भी, कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो इस तरीके से बस यही है कि आप भी अपने आसपास अपने पेड़ पौधे लगाएं, आप फूल वाले लगाएं चाहे पत्तों वाले लगाएं, अपने आसपास हरियाली रखें, तो इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और हमें फ्रेश एयर भी मिलती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, मेरे चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, और मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।